सब आतंकवादी यहाँ बैठे हैं, बाकी तो सब चले गए। इनको एक घंटा नहीं लगने देंगे, ये जहाँ जाए वहीं मार देंगे इनको। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें ये शख्स किसानों को अपना भाई बता रहा है, लेकिन यही शख्स पहले किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बता रहा था। अचानक से क्यों इस शख्स के सुर बदल गए, चलिए आपको बताते हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। न जाने कितनी बार किसानों पर धर्म जाति में फूट डालने के आरोप लगाए गए, जबकि किसानों ने तो धर्म जाति को लेकर न तो कोई ऐसा काम किया और ना ही ऐसा कोई एक शब्द बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसानों को आंदोलन करते हुए 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है। जैसा आंदोलन किसानों की तरह से किया जा रहा है, वैसा आज तक कभी देखने को नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति और प्यार की भावना देखी गई। अलग अलग धर्म के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से किसानों का साथ दे रहा है, लेकिन गोदी मीडिया, सरकार और मोदी भक्त जबरदस्ती इस आंदोलन को धर्म जाति में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये जनाब पहले तो खुद को और अपने लोगों को सिंगू बॉर्डर के पास के गाँव के स्थानीय बताते हैं और किसानों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी किसान हैं और इन्हें 3 खेती बिलों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, ये जनाब किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी भी बता रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए कि क्या कह रहे हैं ये जनाब। आतंकवादी यहाँ बैठे हैं, बाकी तो सब चले गए। किसान लोग जो उनसे हैं, जो अच्छे आदमी थे, वो तो चले गए वापस। यहाँ तो सिर्फ आतंकवाद बैठा है। अब इनको भगाने के लिए हमारे 40 गांवों के लोग जो हैं, वो सारे साथ हैं और इनको गवर्नमेंट हमें ऑर्डर दे रहे हैं, हम बता देते हैं। इनको एक घंटा नहीं लगने देंगे, ये जहाँ जाए वही मार देंगे इनको। इनको छोड़ेंगे नहीं हम किसी कीमत पे। इन्होंने जो हमारे राष्ट्र ध्वज का मान किया है, उसको किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हिंदू जो हैं एक जगह इकट्ठे हैं, हम ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज भी हमारे दिल में और हमेशा रहेगा, तिरंगे का मान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, किसी कीमत पे नहीं सहेगा। हम इनसे बदला लेंगे और इनको आज हमें इजाजत दे दो, हम इनको उठाकर मुका देंगे। हम पीछे नहीं है, हमारे पास बहुत बड़े दिल है, हम बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। हम हिंदू इकट्ठे हैं यार, ये है कितने। हम इनको तो देर भी नहीं लगनी साफ करने में, इस करके नई गवर्नमेंट जो था हमें बता दे। आज तक नहीं ऐसा आंदोलन देखा ये, और ये तो बहुत गलत बात हो रही है जो हो रही है। हिंदुस्तान इस चीज को नहीं बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। 24 घंटे का नोटिस, मैं कहता हूँ हमें 12 घंटे के लिए कह दो, हम 12 घंटे में इनको कहाँ के काम पुका दे। ये आज के बाद नहीं देखे जाएंगे, इसको हम कल फैसला जो भी पंचायत करेगी हम अपने आप देखेंगे। कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हम किसी तरह इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता रहे हैं आपको 12 घंटे के अंदर अंदर इनका काम कर देंगे जो भी है। अब आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए। मैं शिव बुद्धि राजा, विष्णु गार्डन, तिलक नगर निवासी। अब ये जनाब खुद को दिल्ली के तिलक नगर का बता रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, पहले ही अपने आप को गाँव का किसान बता रहे थे और अब अचानक से तिलक नगर का बताने लगे। फिर उसके बाद ये भी सुनिए कि इनका कहना क्या है। उनका कहना है कि उनके मन में किसानों के लिए कोई भेदभाव नहीं है और वो माफी भी मांग रहे हैं। जरा एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। कल मैं किसी कार्य से पानीपत की तरफ जा रहा था, कुंडली बार्डर से पहले ही वहाँ पे बंद था, तो उन्होंने मुझे रोक दिया। वहाँ कई मीडिया वाले भी थे, उन्होंने लोगों ने मुझे गाड़ी से उतारा, उन्होंने मुझे कहा कि आपने कुछ बोलिए, तो मैंने कुछ वहाँ बोला। मेरे अंदर मन में कोई किसान भाइयों और सरदार भाइयों के प्रति कोई ऐसी बात नहीं थी। मैंने किसी को अगर कोई गलत अपशब्द या कोई बुरा शब्द किसी भाई को ठेस पहुंचा उस शब्द से, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। जो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं उनको भी बार बार कहता हूँ कि मेरे मन के अंदर कोई फर्क नहीं है। मैं सारी बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाला हूँ। मैं इस परिवार के साथ विष्णु गार्डन में हर परिवार के साथ जुड़ा हूँ। मेरा इन सरदार भाइयों से बहुत प्यार है और ना तो मैंने कभी ऐसी भावना रखी है और ना रखूंगा। मेरे दिल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर दोबारा आप सबसे माफी मांगता हूँ। दरअसल इस जनाब को सच्चाई इसलिए भी बतानी पड़ी क्योंकि किसानों की तरफ से कुछ लोग सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ बोली गई बातों की सच्चाई का पता लगाने इनके घर पहुंचे थे और तब इस शख्स ने सच बताते हुए कहा कि ये दिल्ली के तिलक नगर के हैं, ना कि किसी सिंगू बॉर्डर के गाँव के। इस शख्स का कहना था कि ये एक दिन में ही किसानों को इस आंदोलन से उठा देंगे, लेकिन लगता है इस जनाब के सिर पर चढ़ा भूत बड़ी जल्दी उतर गया और ये माफ़ी भी मांगने पर आ गए। वैसे इन दोनों वीडियो को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है कि किसान धर्म जाति में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं या ये सरकार अपने लोगों से इसे धर्म जाति में तब्दील करवाने की कोशिश कर रही है? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और बने रहें न्यूज़ नंबर के साथ।